आज की कहानी किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की नहीं है। आज की कहानी एक ऐसी चीज के बारे में है जो हम सभी हिंदुस्तानियों के दिल के बहुत करीब रहती है, चाय। ये कहानी एक ऐसी एक्सक्लूसिव और रेयर चाय की है जो दुनिया के बेस्ट टी गार्डन्स में साल में केवल एक बार हार्वेस्ट की जाती है। ये कहानी है दार्जिलिंग की स्ट्रॉबेरी फुल मून सेकेंड फ्लश स्पेशलिटी चाय की। ऑफ कोर्स हम चाय एक्सप्लोर करने के साथ साथ दार्जिलिंग के इन खूबसूरत चाय के बागानों में भी घूमेंगे, यहाँ कुछ बेहतरीन चाय पियेंगे और मुझे उम्मीद है कि जब तक ये वीडियो खत्म होगा तब तक शायद आप भी निकल पड़ेंगे अपने किचन की तरह एक चाय का प्याला बनाने के लिए। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं दार्जिलिंग से। क्या आपको पता है कि दार्जिलिंग दो शब्दों से बना है, दोर्जी जिसका मतलब है थंडरबोल्ट और लिंग जिसका मतलब है जगह। सो दार्जिलिंग इज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। दार्जिलिंग पहले सिक्किम का पार्ट था और कुछ टाइम के लिए ये नेपाल का हिस्सा भी रहा। 1835 में दार्जिलिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर का एक हिस्सा बन गया और दार्जिलिंग की मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत वहीं से होती है और दार्जिलिंग की आइकॉनिक चाय की शुरुआत भी। इससे पहले कि हम दार्जिलिंग की चाय को एक्सप्लोर करें, मैं आपको चाय की एक कहानी सुनाता हूँ। फिक्र ना करें, आपको इस कहानी में जरूर मजा आएगा। चाय सदियों से चाइना में उगाई और पी जाती थी। ब्रिटिश एलीट्स को भी इस ड्रिंक का पता चला और बहुत जल्दी यूरोप का एक पसंदीदा ड्रिंक बन गया। पर चाइना के पास चाय की मोनोपोली थी और एंग्लो चाइना वॉर के बाद वहां से चाय लाना और भी मुश्किल हो गया। ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि अपनी ही कॉलोनी यानी इंडिया में चाय उगानी चाहिए। कई लोकेशंस को टेस्ट किया गया और आखिर में दार्जिलिंग का चयन हुआ और जल्द ही दार्जिलिंग दुनिया की बेहतरीन चाय प्रोड्यूसिंग एरियाज में से एक बन गया। हमारी आज की कहानी की शुरुआत दो जगहों से होती है, अमेरिका की ग्रेस फार्म से जहां से एडम और फ्रैंक दार्जिलिंग आए और बैंगलोर से जहां से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। पहले दिन हम फ्लाइट लेके बगडोदरा पहुंचे और वहां से निकल गए सीयोक टी गार्डन की तरफ। तो मैं भी पहुंच गया हूं उत्तर वेस्ट बंगाल मतलब नॉर्थ वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह में और हम आज यहां पे चाय की स्टोरी ऑफ कोर्स एक्सप्लोर करेंगे, पर उसके साथ साथ मैं आपको इस जगह को भी दिखाऊंगा और हम साथ में खट्टे खट्टे साथ में घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे चाय कैसे बनती है और ये स्पेशल चाय कैसे बनती है, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में इतनी स्पेशल चाय के बारे में सुना नहीं था। तो इसके पहले एक कहानी आगे बढ़े, आपको मैं मिलाता हूँ इस कहानी के किरदारों से, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे। मेरे साथ तीन और लोग हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। इंट्रोडक्शन टाइम फॉर माई को ट्रेवलर्स। हाय, I'm Adam Thatcher from Grace Farms, a cultural and humanitarian center, and we have traveled halfway around the world for a very, very special occasion, which is the full moon picking of the tea. My name is Frank Quay. I work at a not-for-profit organization called Grace Farms. So I'm Saida. I'm a Colombian designer. I work for Grace Farms and I have a company. What we do is to use strategy and design to create meaningful brands. पर ये ग्रेस फार्म्स क्या है? 2015 में शुरू हुआ ग्रेस फार्म्स यूनाइटेड स्टेट्स के कनेटिकट में है और ग्रेस फार्म्स फूड्स इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन का एक पार्ट है। आज का वीडियो भी उनके सौजन्य से ही बना है। ग्रेस फार्म फूड्स दुनिया की बेस्ट चाय और कॉफी को सोर्स करते हैं और अमेरिका के लोगों तक पहुँचाते हैं। ये चाय और कॉफी दोनों काफी स्पेशल है क्योंकि इन्हें सिर्फ उन्हीं जगहों से लाया जाता है जहाँ पे एथिकल और सस्टेनेबल फार्मिंग होती है, जहाँ फेयर ट्रेड होता है और जहाँ पे फोर्स लेबर नहीं होता है। ये इंश्योर करने के लिए उनके पास कई तरीके हैं, जैसे कि उनका कोलैबोरेशन फेयर ट्रेड अमेरिका से। पर दूसरा जो ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि वो खुद आते हैं इन फार्म्स में देखने के लिए और समझने के लिए कि यहाँ फार्मिंग कैसी होती है। पहला दिन हमने काफी आराम से बिताया, काफी सारी चाय पी, चाय के बागानों में वॉक की, फैक्ट्री विजिट की और खुद को एजुकेट किया चाय के बारे में। साल में जिस समय पर टी को पिक किया जाता है उसके हिसाब से चाय को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ फ्लश कहते हैं। सेकेंड फ्लश को ज्यादातर सबसे बेहतरीन चाय माना जाता है। इसमें फ्लेवर लाजवाब होता है और जनरली ये सबसे महंगी चाय भी होती है। मई और जून के महीने में पिक की गई चाय को सेकेंड फ्लश कहते हैं। हमारी कहानी की मुख्य किरदारा स्ट्रॉबेरी फुल मून टी भी सेकेंड फ्लश टी है। दार्जिलिंग में ग्रेस फार्म्स फूड जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं उनका नाम है टी प्रमोटर्स ऑफ इंडिया या शॉर्ट में टीपीआई,
और वो सीयोक टी गार्डन्स के ओनर्स भी हैं। इंटरेस्टिंगली टी गार्डन्स को एक्चुअली ओन गवर्नमेंट करती है और इसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को 30 साल के लिए लीज पे दिया जाता है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दार्जिलिंग के ज्यादातर चाय बागान ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है, इंक्लूडिंग द टीपीआई गार्डन्स। हम सब काफी थक गए थे और रात को जल्द ही सो भी गए। फाइनली पूर्णमासी का दिन आ ही गया। मौसम देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद शाम को बारिश हो सकती है। बादलों वाली पूर्णिमा में चाय पिक करना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहता, बट इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, इट वाज ऑल इन गॉड्स हैंड्स। हम आफ्टरनून में टीपीआई के दूसरे गार्डन सेलिमबोंग टी गार्डन पहुंच गए, जहां देर रात को फुल मून टी पिकिंग का प्लान था। हमने यहाँ एक बहुत स्पेशल प्रोसेस के बारे में भी सीखा। We are at the Seelambong Biodynamic Center. This is where we prepare all our biodynamic preparations. Biodynamic is a process where actually we are harnessing the cosmic energies and converting that into homeopathic doses to be applied onto the tea fields so that the results can optimize. दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं बेस्ट चाय लेने के लिए, और उसका कारण क्या है, तो आज हम ये भी एक्सप्लोर करते हैं कि दार्जिलिंग चाय वर्ल्ड की बेस्ट चाय में से एक क्यों है। यहाँ के पौधों को हाथ से लगाया जाता है, हाथ से सींचा जाता है, चाय की पत्ती हाथ से पिक की जाती है, और बाद में फैक्ट्री के अंदर भी लेबर फोर्स कम्प्लीटली इन्वॉल्व होता है प्रोसेसिंग के टाइम पे। जहाँ दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेटिक होती जा रही हैं, इस हैंडमेड चाय का स्वाद कुछ खास ही है। दूसरा कारण है यहाँ की यूनिक टेरेन, यहाँ का मौसम और यहाँ की मिट्टी, और आखिरी और सबसे अंडररेटेड रीजन है यहाँ के लोगों का प्यार, जो इस चाय को बहुत स्पेशल बना देता है। और शायद इसी कारण से दार्जिलिंग की चाय इतनी स्पेशल है। टी पिकिंग से पहले पास के गांव से एक महिला ओझा को बुलाया गया, हर मुसीबत को रास्ते से हटाने के लिए। जैसे ही पूजा की शुरुआत हुई, we were transported in a completely different world. मैंने इससे पहले कभी इतना क्लोजली किसी भी ओझा पे देवी आते नहीं देखा था, और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी यूनिक था। अंधेरे के साथ चंद्र उदय भी हो गया और हम पहुंच गए सेलिमबोंग की चाय के बागान पे चाय पिकिंग करने के लिए। वहाँ का माहौल एकदम सरियल था, हर तरफ टी वर्कर चांद और मशाल की रोशनी में टी पिक कर रहे थे। ये प्रोसेस काफी छोटी, करीब 10-15 मिनट की ही होती है, पर बहुत इंटेंस होती है। माना जाता है कि फुल मून में चाय स्पेशल चंद्रमा के प्रकाश और रेस के कारण होती है। चाय पिक करने के बाद इसे तोला जाता है, बेसिक क्लीनिंग की जाती है, और फिर टी फैक्ट्री में इसे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। अगली सुबह समय था कल रात को पिक की गई और प्रोसेस की गई चाय को टेस्ट करने का। दिस वॉज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। हमारे टी टेस्टर फ्रैंक और एडम का ये रिएक्शन रहा। सो टेस्टिंग टी, यू नो, इट्स about all of it, all the parts of tea, not just drinking and how it feels in your mouth, but literally looking, you know, it's like engaging all the senses. So a few reflections on everything we've experienced here. And to me, it really comes back to the cultures and traditions that are being celebrated. And now for us to get to preserve that story and bring it back to the Grace Farms community and share that is now connecting two communities together through one incredible, exceptional tea leaf. और इसी के साथ हमारी इस iconic tea exploration का अंत हो गया। मेरा चाय का प्याला तैयार हो चुका है, और मुझे लगता है शायद आप भी जा रहे होंगे अपने किचन की तरफ एक चाय बनाने के लिए। Anyway,
मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो ये चाय की कहानी दार्जिलिंग से पसंद आई होगी। अगर ये चाय की कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने ग्रुप्स में ज़रूर इसको शेयर करें। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तो समय हो चुका है इस चाय को पीने का और अपने नेक्स्ट एडवेंचर को प्लान करने का, क्योंकि मैं जा रहा हूँ दूर कहीं दूसरे देश में। अगला वीडियो एक नए देश से होगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी के लिए अलविदा।